हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पत्ती काल में राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम प्रमुख कवि अग्रदास जी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, राम भक्ति काव्यधारा में अग्रदास जी से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं परीक्षाओं में, और आते भी हैं, ठीक है, आए हुए भी हैं। तो यहाँ पर अग्रदास जी हैं, इनका अगर समय की बात की जाए तो 1556 ईस्वी इनका समय माना जाता है, लगभग मतलब उस समय को माना जाता है, लगभग का मतलब यही। ये कृष्णदास पहारी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये अग्रदास? अग्रदास जी कृष्णदास पहारी जी के शिष्य थे। ये जाति से डोम थे। ठीक है, ये स्वयं को जानकी सीता जी की सखी मानकर अग्र अली उपनाम से कविता किया करते थे। मतलब ये अपने आप क्या था, सीता जी की सखी मानते थे खुद को, और अग्र अली उपनाम से कविताएं लिखते थे। कौन? अग्रदास जी। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और यूपी की परीक्षा हूँ तो उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। इसी कारण राम भक्ति परंपरा में, जो राम भक्ति परंपरा है, मैं रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय अग्रदास जी को दिया जाता है। ठीक है, इसी कारण मतलब कि ये स्वयं को जानकी सीता जी की सखी मानकर अगर अली उपनाम से क्या करते थे, रचनाएं किया करते थे, मतलब कि कविता किया करते थे, कविता लिखा करते थे। इसी कारण राम भक्ति काव्यधारा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय जो जाता है वह अग्रदास जी को ही जाता है। राम भक्ति काव्यधारा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय अग्रदास जी को दिया जाता है। अग्रदास जी की रचनाएं, इनकी 6 प्रमुख रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, मतलब और भी मिलती होंगी, लेकिन 6 रचनाओं से ही संबंधित तथ्य अर्थात जानकारी इतिहास में उपलब्ध है, दी गई है इनके विषय में। पहली है ध्यान मंजरी, दूसरी है राम भजन मंजरी, तीसरी है उपासना बावनी, नंबर 4 है अष्टयाम रामाष्टयाम। ये अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में, क्या कौन सी पूछी जाती है कि अष्टयाम के रचनाकार कौन है? कौन है? अग्रदास जी हैं। नंबर 5 है पदावली, नंबर 6 हितोपदेश भाषा, हितोपदेश उपाख्यान बावनी भी जिसको कहा जाता है। ठीक, तो ये 6 प्रमुख रचनाएं हैं अग्रदास जी की। अष्टयाम रामाष्टयाम से संबंधित तथ्य, सीता वल्लभ राम की दैनिक दिनचर्या का चित्रण है। ठीक है, इसमें रामाष्टयाम या अष्टयाम में राम के ऐश्वर्य रूप की भव्य झांकी यहाँ प्राप्त होती है। ठीक है, अग्रदास जी की इस रचना में। इसी के अनुसरण पर नाभादास ने भी अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की। मतलब अग्रदास जी का भी एक अष्टयाम नामक ग्रंथ मिलता है, और नाभादास जी ने भी एक अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, तो 2 रचनाएं हैं, मतलब नाम एक ही है, रचनाएं अलग अलग हैं, और रचनाकार भी अलग अलग हैं। अग्रदास जी की अष्टयाम रामाष्टयाम भी जिसको कहा जाता है, नाभादास ने भी एक अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये अग्रदास जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। ईश्वरदास, ये भी राम भक्ति काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, जिनकी प्रसिद्ध रचना है सत्यवती कथा। ठीक है, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी यह इनका समय माना जाता है सत्यवती कथा का। इसी के आधार पर इनका जन्म 1480 ईस्वी में हुआ माना जाता है। ठीक है, इसी रचना के आधार पर रचनाएं हैं इनकी, भरत मिलाप, दूसरी है अंगद पेज, राम काव्य से संबंधित है ये, तीसरी है सत्यवती कथा 1501 ईस्वी जो यही वाली है इनकी रचना, नंबर 4 है एकादशी कथा, एकादशी कथा भी इन्होंने लिखी हुई है, नंबर 5 है स्वर्ग रोहिणी कथा। तो ये इनकी 5 प्रमुख रचनाएं हैं इस वरदास जी की। तो इनसे संबंधित कुछ यही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। बाकी सभी किताबों में अलग अलग तथ्य, या मतलब रहते तो वही कवि हैं और उनसे संबंधित वही तथ्य रहते हैं, लेकिन किसी में विस्तार से दिया जाता है और किसी में कुछ कम दिया जाता है, ये अंतर होता है। अब हम राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि
तुलसीदास जी के विषय में पढ़ेंगे, मतलब कि प्रमुख कवि यही माने जाते हैं तुलसीदास जी, ठीक है, राम भक्ति काव्यधारा के, जिन्होंने इतनी मतलब बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, शायद ही आज के समय में कोई ऐसी रचनाएं लिख पाए। देखिए, मूल गोसाई चरित्र ये बेनी माधव दास ने तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर लिखी हुई है, तुलसी चरित है दूसरी, महात्मा रघुवर दास जी ने इनको यह रचना लिखी है तुलसीदास जी पर आधारित। जन्म काल 1532 ईस्वी है, ये किसका है, तुलसीदास जी का जन्म काल की बात की गई है यहाँ पर, 1532 ईस्वी। अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो 1589 विक्रम संवत जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है, 1589 विक्रम संवत जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है, ठीक है। माता प्रसाद गुप्त ने भी आधुनिक शोधों में 1589 विक्रम संवत ही माना है, मतलब जो माता प्रसाद गुप्त हैं उन्होंने आधुनिक खोजों के अनुसार 1589 विक्रम संवत ही माना है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना था, ठीक है। और अगर वैसे मतलब कुछ इतिहास में प्राप्त होता है तो 1532 ईस्वी प्राप्त होता है, ठीक है। विक्रम संवत 1589 जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी माना और माता प्रसाद गुप्त ने भी आधुनिक शोधों के आधार पर विक्रम 1589 विक्रम संवत माना है। जन्म स्थान राजापुर, राजापुर उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के ही थे ये तुलसीदास जी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और शिव सिंह सेंगर के ने भी इनका समर्थन किया है, मतलब कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, इस बात का इन्होंने समर्थन किया है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और शिव सिंह सेंगर ने, ठीक है। कुछ इतिहासकार इनका जन्म सोरो उत्तर प्रदेश को मानते हैं, है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई जगह है सोरो तो वहाँ को मानते हैं, ठीक है। उसमें उनके नाम हैं जो जो मानते हैं सोरो उत्तर प्रदेश को, पहले हैं गौरी शंकर द्विवेदी, दूसरे हैं राम नरेश त्रिपाठी, तीसरे हैं डॉक्टर रामदत्त, नंबर चार हैं लाला सीताराम। ये चार सौर उत्तर प्रदेश के समर्थन में हैं तुलसीदास के जन्म स्थान में, ठीक। और रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर ने भी क्या माना है, राजापुर उत्तर प्रदेश माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि, मतलब शुक्ल जी ने कहा है कि सूकर खेत को ब्रह्मवश इन्होंने सोरो समझ लिया है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि सूकर खेत को क्या समझ रहे हैं, गलती से सोरो समझ लिया है, ठीक। सूकर खेत गोंडा जिले में सरयू किनारे है, सरयू नदी है अयोध्या में, शायद सरयू नदी अयोध्या में ही है, तो वहाँ एक पवित्र स्थल है सूकर, ठीक है। सूकर खेत गोंडा जिले में सरयू किनारे एक पवित्र स्थल है, सरयू नदी का ही नाम है वैसे तो। द्विवेदी जी ने क्या कहा है, सोरो को ही सही माना है इन्होंने, सोरो को ही महत्व दिया है। तो आज हम तुलसीदास जी से संबंधित इतना ही पढ़ेंगे, इन महत्वपूर्ण तथ्य, बाकी काफ़ी कुछ इनके बारे में विस्तार पूर्वक है तो उसको द्वितीय भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।